खानवा में पोसल बारी परे चवे में धसल दो। और ये सच्चाई है तो बड़ा नीक लगेला रानी जी के हासल हो। बड़ा नीक लगेला। अब इसका जवाब तो रानी को देना पड़ेगा। हसलत भाग हमर जग जाए जा हमरो मन कमजी के लाग जाए। ओ क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू। साल हो गए इसलिए मैं मुबारकबाद दूंगी गीता जी को। और हमेशा हर साल अवार्ड आते हैं लेकिन ये अवार्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको 18 साल हो चुके हैं और मैं चाहूँगी कि आगे भी अवार्ड कंटिन्यू हो। रानी जी, हमेशा आप इस अवार्ड के साथ रही है, काफ़ी परफॉर्मेंस आपने इस अवार्ड शो में की है लेकिन इस साल आप परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं। यस, इस साल मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ इन दिनों। मेरी एवरीडे शूट चल रही है तो शूटिंग की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई परफॉर्मेंस के लिए। बस मैंने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी अवार्ड में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई है बट ड्यू टू माई स्केड्यूल। अगर दर्शकों को बता सके क्या किस चीज़ में आप बिजी चल रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं जरा दर्शकों को बता दें। जी, अभी मेरी अभी जस्ट मैंने 2-3 फिल्में कंप्लीट की है लेकिन मैं साथ ही साथ एक हिंदी टेलीविजन शो कर रही हूँ बेटी हमारी अनमोल। सो टीवी में एंट्री ली है मैंने तो एवरीडे मैं शूट कर रही होती हूँ उसको। सो टीवी कर रही हूँ। रानी जी, टीवी का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, जैसे फिल्मों में तो आप फ्री जल्दी हो जाती है लेकिन सीरियल्स में आप जल्दी फ्री नहीं हो पाती है, क्या इसे इंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने अपने वक्त के मुताबिक ही शो को लिया है। मैं 15 दिन टीवी का शूट करती हूँ और 15-20 दिन मैं फिल्मों को कम्प्लीट करती हूँ। अभी मेरी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने भी आ रही हैं तो फिल्में भी कम्प्लीट हो रही हैं और टीवी भी चल रहा है तो मैं मैनेज किया हुआ है बड़े अच्छे से। नए साल में क्या धमाका रानी जी लेकर आ रही है? 2024 बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत नया नया होने वाला है 2024। और फिटनेस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा फिटनेस के तरफ वक्त नहीं दे पा रही हूँ लेकिन थैंक यू। मैं फिटनेस को लेकर मैं एवरीडे 6 बजे उठती हूँ एंड मैं अच्छी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, सेट पे जाती हूँ। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मैंने मेंटेन रखा हुआ है जिस वजह से। थैंक यू सो मच।